दृश्य भारत टीवी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में उपचुनाव होने को है और उसको लेकर तमाम दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में शुरू हो गई है। तो वहीं आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए की जीत इस उपचुनाव में सुनिश्चित की है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा इस उपचुनाव में एनडीए ही विजय हासिल करेगी। वहीं उन्होंने चिराग पर भी जोरदार हमला करते हुए कहा कि चिराग अब तेजस्वी से मिल चुके हैं, वह उनके लिए वोट मांग रहा है। चिराग लगातार कहते रहते हैं हम दलितों के नेता हैं। रामविलास जी ने दलितों की पार्टी बनाई थी, लेकिन चिराग पासवान फाइव स्टार होटल में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में अपने बाल कटवाते हैं, वह दलित विरोधी नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके पिता दलित समर्थक थे, लेकिन उनके बेटे उनसे उलट दलित विरोधी नजर आ रहे हैं और दलितों की सेवा करने के बजाय वह अमीरों के साथ घूम रही हैं। उन्होंने कहा 15 साल पहले बिहार की क्या बदहाली थी वह किसी से छुपी नहीं है। सड़क नहीं सिर्फ गड्ढे नजर आते थे, लेकिन अब की जो सड़कें हैं उससे किसी भी जगह से राजधानी पटना 3 से 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। नीतीश कुमार ने अपना किया हुआ वादा पूरा किया, इसलिए एनडीए की जीत उपचुनाव में सुनिश्चित है। लालू प्रसाद यादव के आने नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस उपचुनाव में एनडीए ही जीतेगी। तो जान लीजिए आप 15 साल बनाम 15 साल, 15 साल बनाम 15 साल। आज सड़कों का हाल देख लीजिए, चकाचक सड़कें बिहार के किसी भी जिले से सीमांत, जो सीमांतवर्ती जिले हैं वहां से भी आप 5 घंटा में पटना पहुंच जाएंगे। पहले लोग कहते थे कि गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, पहले लोग कहते थे ना कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। बिजली के लिए लोग लंबे लंबे समय तक आंदोलन करते थे, बिजली किसी जिला में नसीब नहीं था, ट्रांसफार्मर नहीं था, पोल नहीं था, तार नहीं था, कहीं नहीं। आज 24-24 घंटे बिजली गांव को मिल रही है। पहले लोग लाइटल, ये लोग जो अंधे लोग हैं जिनको विकास दिखाई नहीं देता, ये जो कहता है कि सावन के अंधा को कुछ नजर नहीं आता, ये जो अंधे लोग हैं जिनको विकास नहीं दिखाई देता, आज वो विकास की, बिहार के विकास की पूरे देश में बिहार बिहार मॉडल का चर्चा होता है। बिजली 24 घंटे, सड़कें चकाचक, उद्योग, रोजगार, सब क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में काम नहीं हुआ। पहले बिजली के लिए लोग लंबे लंबे समय आंदोलन करते थे। एक अप्रवासी साइबेरियन पक्षी ये लोग चुनाव के समय में बिहार इनको याद आता, और बड़े ये तीन आए हैं, तीन नहीं कहता, तीन तिगारा काम बिगाड़ा, कन्हैया, जिग्नेश और एक क्या नाम उसका, हार्दिक पटेल। यह वही जिग्नेश है जिसने 2018 में बिहारियों को गाली दिया था गुजरात में। यह वही जिग्नेश है जिसने छठ महापर्व को 2018 में गाली बका था, बिहारियों को गाली बका था और कहा था कि बिहारी गुजरात से बाहर जाए, गुजरात को खाली कर दे। और कन्हैया उनको कल अब लगातार महिमा मंदिर कर रहे हैं, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और बिहार और बिहारियों से माफी मांगना चाहिए। यह कल बड़े लक्ष्यदार भाषण दे रहे, लगातार कन्हैया चुनाव में घूम रहे हैं, लक्ष्यदार भाषण दे रहे, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा बढ़िया बोलते हैं, खूबसूरत बोलते हैं और JNU से आए। तो यह कन्हैया कहते हैं बिहार परिश्रम की धरती है अपने भाषण में, यह किसम कन्हैया। और जब परिश्रम की बारी आती है तो ये लोग दिल्ली बम्बई में पार्टी करते हैं। जब कोरोना महामारी पूरे बिहारियों को, बिहार को इतनी बड़ी तबाही महामारी थी, वैश्विक महामारी, जिस समय बिहारियों को मदद करना चाहिए था, मदद की जरूरत थी, तो ये कहीं परिश्रम नहीं कर रहे थे, ये बम्बई दिल्ली में थे, ये पेस 3 पार्टी करते हैं, ये 5 स्टार होटल में घूमते हैं और चुनाव में आते हैं गरीब की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। तो इन लोग को तो माफी मांगना चाहिए। और यह भाषण में कह रहे थे कि जिसके जिसके पास बाबूजी की थाती है सबने उसको छाती में लपेट लिया, कोई उसका किसी को हिस्सा देना नहीं चाहता।
तो बाबूजी की थाती तो हमारा मानना है राहुल गांधी के पास है, जो आजीवन रजिस्ट्री करा लिया है, माँ बेटे की पार्टी है। अभी देखा कांग्रेस का कार्य समिति लंबे अवधि के बाद बुलाया, जब कांग्रेस में इतना भारी विरोध, कांग्रेस छोड़ के बड़े बड़े दिग्गज लीडर जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं, सिंधिया चले गए, कई लोग चले गए, तो सिब्बल ने, कपिल सिब्बल ने उंगली उठाया, गुलाम नबी आजाद ने उंगली उठाया, कई लोगों ने कहा, बड़े बड़े दिग्गज लीडर, तो ये लोग कन्हैया करें बाबू जी की थाती और लगा के घूम रहे छाती। तो फिर कहा कि अगले वर्ष चुनाव होगा सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे, यह तो बपौती है इन लोग की। कांग्रेस जो कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी थी और उस कांग्रेस का क्या हाल हो गया कि लोगों को कांग्रेस से दुर्गंध आता है। तो यह बाबूजी की छाती किसके छाती में है, कौन छाती में लपेट के घूम रहा है, आप जान लीजिए। आज हम जो बिहार विधानसभा के दो बाय इलेक्शन हैं, दो उपचुनाव, इस दोनों उपचुनाव में जो NDA के उम्मीदवार हैं, जनता दल यू के जो उम्मीदवार हैं, तो दोनों उम्मीदवार हमारे, जो JDU के उम्मीदवार हैं अमन हजारी जी कुशेश्वर में और यहाँ तारापुर में राजीव जी, दोनों रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते और जो यह परिणाम के साथ जो ट्यूटर बॉय है दो गो, और जो ट्यूटर बॉय के एक हनुमान है जो अपने आप को हनुमान बताते थे, इन दोनों का अहंकार घमंड सारा चकनाचूर परिणाम आते ही हो जाएगा। और दूसरी बात, जहाँ हमको यह जानकारी मिला, कल कई मतदाताओं ने कुशेश्वर से और तारापुर से फोन करके हमको बताया कि चिराग जो हैं घूम घूम कर रात में, और उनके जो स्टार प्रचारक बम्बई दिल्ली और विशेष करके बनारस से जो प्रचारक गए, ये लोग घूम घूम कर तारापुर में कह रहे हैं कि RJD को वोट दो चिराग, जबकि वो उम्मीदवार दिया है, और अब घूम घूम के कह रहा है कि तारापुर में रात में घूम घूम के घर घर जाके होटल में लोगों को बुलाकर कि आप लोग यहाँ RJD को वोट कर दीजिए, और कुशेश्वर में स्थान में कह रहा है कि कांग्रेस को वोट कर दीजिए। तो यह चिराग इस अभियान में लगा हुआ है, और यह सब स्क्रिप्ट लिखा गया था 8 तारीख को राहुल गांधी, लालू यादव और चिराग, जो तीनों सीताराम योचरी ये लोग बैठे थे, खास करके विशेष करके राहुल गांधी जी और लालू यादव जी और श्री चिराग, ये तीनों बैठ के स्क्रिप्ट और पूरी प्लानिंग तैयार हुई कि कैसे चुनाव में उम्मीदवार देना है, और दलितों को, और जान लीजिए बिहार की धरती काफ़ी जागरूक है, यह लोकतंत्र की धरती है, यहीं से लोकतंत्र पूरे विश्व में, या महात्मा गांधी की बापू की कर्म भूमि है, और पोरबंदर से जब महात्मा गांधी चले तो महात्मा यहीं कहलाए चंपारण, तो यह गांधी की कर्म भूमि है, और जान ली, और उपचुनाव में दोनों उम्मीदवार हमारे रिकॉर्ड वोट से जीते हैं, लेकिन बाय इलेक्शन में जो देखा जाता है कि जो मतदाता है वह कम निकलते हैं, पोलिंग कैपेसिटी घटती है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि पोलिंग बम्पर हो, जीत रिकॉर्ड वोटों से हो, या NDA जो हम 5 पांडव हैं, NDA भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी VIP और आदरणीय मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, तो ये पांचों पार्टी जो पांडव हम लोग हैं, ये रिकॉर्ड वोट से हम लोग जीतेंगे, और जो दुर्योधन की ताकते हैं या चकनाचूर होगा उनका जो नापाक मंसूबा। दूसरी बात कि आपने यह तारापुर में RJD कह रहे हमने बेस्ट को उम्मीदवार बनाया, आप जान लीजिए राष्ट्रीय जनता दल का जब शासन था 15 साल,
तो वैश्य समाज की क्या हालत थी। वैश्य समाज त्राही त्राही 15 साल में कर रहा था। कितने भारी संख्या में वैश्य समाज अपने व्यापार को छोड़ के, अपने रोजगार को छोड़ के, अपने सब कुछ घर परिवार को लेकर यहाँ से पलायन कर गए। और जब इन लोग का तेल पिलावल लाठी घुमावल जैसी रैलियाँ होती थी तो सारे के सारे दुकानों से किस तरह माल उठाया जाता था, दुकान लोग बंद करके भाग जाते थे महीनों महीनों, और ये लोग अपने बेटियों की शादी में किस तरह गाड़ियों की शोरूम को खाली कर दिया करते थे, गाड़ियाँ उठा लिया करते थे, और यह किसलय कांड, गोलू कांड, गौतम शिल्पी कांड, यह बाठे नरसंहार, लक्ष्मणपुर नरसंहार, सेनारी नरसंहार, और जहानाबाद जेल ब्रेक, कितने जातीय नरसंहार, तो यह और वैश्य समाज का, खास करके वैश्य समाज का सामूहिक कत्लेआम, सारे वैश्य के जितने व्यवसाय थे, जितने संस्थान थे, सारे के सारों को आरजेडी के गुंडों ने हड़प लिया था, कब्जा कर लिया था सारे व्यवसाय पे। और ये लोग वैश्य की बात करते हैं। आज आदरणीय लालू यादव आ रहे हैं, हम आदरणीय लालू यादव जिसे कहना चाहते हैं कि वह आके बिहार के वैश्य समाज से 15 साल में जो उनके शासनकाल में आतंक और अत्याचार था, जो आतंक और तांडव मचाया था वैश्य समाज पर उनके गुरुओं ने, तो लालू यादव जी आकर सर्वप्रथम वैश्य समाज से लंबे अवधि के बाद वह आ रहे हैं, और वह गए थे तीर्थ यात्रा से वो लौट रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वह आकर आज वैश्य समाज से सर्वप्रथम माफी मांगे, क्योंकि वैश्य समाज बिहार का आरजेडी और लालू यादव उनके पुत्र को कभी माफ नहीं कर। फिलहाल की खबरों में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।